दोस्तों ये कहानी है पॉल अलेक्जेंडर की, जिन्होंने 1952 से आज तक खुद से सांस नहीं ली और फिर भी जिंदा हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल पॉल जब 6 साल के थे तो उनकी पूरी बॉडी पॉलीवायरस की वजह से पैरालाइज्ड हो गई थी, जिसमें उनके लंग्स ने भी जवाब दे दिया। जब पॉल हिल और सांस नहीं ले पा रहे थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनके गले पर होल करके एक पाइप लगाया और उनको एक ऐसी मशीन के साथ जोड़ दिया जिसे आयरन लंग्स कहते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स दोबारा काम करने लगे। वो आज तक इसी मशीन पर डिपेंडेंट है। दोस्तों पॉल बड़े एम्बिशियस थे, वो पढ़कर कुछ बनना चाहते थे। उन्होंने स्कूल खत्म किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो लॉयर भी बने और अपना पहला केस भी जीते। उन्होंने प्यार भी किया और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की पूरी लाइफ उनकी ही देखभाल करने में निकल जाए। वो बुक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन सब अपने मुंह से एक स्टिक को पकड़कर। उन्होंने एक बुक भी लिखी है और ये बुक इन्होंने अपने मुंह से पेन को पकड़कर लिखी है, सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग जीवन में छोटी छोटी सी बात पर हार मान जाते हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिले।